कोरोना वायरस संक्रमण रोकने को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन में कोई भूखे पेट न सोए, कोई भूखा न रहे, इसको लेकर मुंडा पांडे पुलिस द्वारा पहल की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कारीगर से हर रोज हजारों भोजन के पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, जिनको सड़क किनारे रहने वालों, रोडवेज बस स्टेशन पर फंसे यात्रियों, पैदल यात्रा कर एक जनपद से दूसरे जनपद जा रहे लोगों के साथ ही हर भूखे व्यक्तियों को मुहैया कराया जा रहा है। मुंडा पांडे पुलिस का कहना है कि ये कार्य पुलिस और मीडिया कर्मी के सहयोग से चल रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं देना है। लॉकडाउन के समय यह कार्य जारी रहेगा। मुरादाबाद में किसी को भी भूखे पेट सोने नहीं दिया जाएगा। इस मुश्किल की घड़ी में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनकी लोगों से अपील है कि बस घरों में रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इस दौरान मुंडा पांडे, SHO नवाब सिंह, मीडिया कर्मी मोहम्मद सुलेमान सहित काफी संख्या में मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मी मौजूद रहे। जो ये कार्यक्रम हुआ है, किस संबंध में हुआ है? ये जो मोदी योगी रसोई, माननीय रितेश गुप्ता जो हमारे नगर विधायक हैं, उनके द्वारा 3 दिन से आयोजित हो रही है, और ये लगातार जब तक काउंटडाउन रहेगा तब तक लगातार सुबह और शाम असहाय लोगों के लिए, बेसहारा गरीबों के लिए, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी वाले थे, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, या घरों में किराए पर रहने वाले लोग थे जिनको लोग परेशानी हो रही है, और जो सड़कों से लोग गुजर रहे हैं बाहर के लोग, उनके लिए यह भोजन की व्यवस्था की गई है। और आज इस रसोई का 3रा दिन है, सुबह शाम यह भोजन बन रहा है, कंटिन्यू इस रसोई में भोजन बन रहा है, और माननीय रितेश गुप्ता जी द्वारा यह व्यवस्था कराई गई है। मिलन विहार क्षेत्र के सभी यहाँ के जो लोग हैं वो इसमें पूरा श्रमदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो इस महामारी से निपटने के लिए घरों में रहने को कहा गया है, वह उसका कड़ाई से पालन करें, स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए अपने बच्चों को, अपने परिवार को स्वयं घर के अंदर रखें। हम जैसे कार्यकर्ता पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए उन तक भोजन वगैरह या आवश्यक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, और उनके पास भोजन पहुंचेगा भी, सामग्री भी पहुंचेगी, सरकार भी बहुत जल्दी और तेज़ी से व्यवस्था को सुचारू करने वाली है। संजय कुमार पांडे, आज यहाँ पर CM रसोई का काम चल रहा था, और उसमें जो भी बार बार से दूर से लोग आ रहे हैं, जो अपने प्रदेश के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको खाने का डिस्ट्रीब्यूशन इस रसोई के माध्यम से किया जा रहा है। सुबह शाम मिलन विहार के लोग इसमें अपना पूर्ण सहयोग काम दे रहे होंगे, और इसका जो श्रेय हमारे रितेश जी और सुधांशु जी को पूरा पूरा जाता है। कर्मठ होकर के सभी मिलन विहार व्यासी और जो हमारे अग्रणी हैं वो सब पूरा योगदान इसमें अपना दे रहे हैं। अच्छा, ये जो चल रहा है ये कब तक रहेगा आपका घर? जब तक ये स्थिति महामारी वाली जो स्थिति रहेगी वो चलती रहेगी। हालांकि सरकार के बहुत प्रयास हैं कि इसको एक सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू इसको रिमूव किया जाए, लेकिन जब तक ये रसोई का काम है, जब तक चलेगा, जब तक इस तरह की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। अच्छा, देश की जनता से आप कुछ अपील करना चाहते हैं? देश की जनता से अपील ये है, जो प्रधानमंत्री और हमारे CM योगी जी होंगे उनके थ्रू जो अपील हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग डिफरेंस से नहीं चलेंगे, एक दूसरे से दूरी बनाएंगे नहीं, एक दूसरे से कम मिलेंगे, ये चीज़ें हमारा काम करना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जो भी इस समय समस्या, महामारी की समस्या चल रही है, कोरोना की स्थिति चल रही है, ये एक व्यापक बनेगी, जिसको कम करने के लिए ये सब करना चाहिए।